हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांतरा इलेक्ट्रिकल हब। मैं विश्वजीत। आज का टॉपिक मॉस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन का कंट्रोल कार्ड के बारे में। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग ओरिएंटेड वीडियो डालता रहता हूँ। फ्रेंड, ये जो कंट्रोल कार्ड है, इसमें दो आईसी यूज किया है। एक ओपेम आईसी है जिसका नंबर 3140 और एक पीडब्ल्यूएम आईसी यूज किया है जिसका नंबर 3525 है। फ्रेंड, ये कार्ड में टोटल 30 टर्मिनल है। अब लेफ्ट साइड से काउंट होता है, इधर से काउंट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके इधर 30 तक है। अरे, जो ड्राइंग आप देख पा रहे हो, ये सिमेट्रिक डायग्राम है इस पीसीबी का। तो फ्रेंड, इधर से गोल राउंड राउंड करके आप देख सकते हो, मार्किंग किया है, ये इस पीसीबी का पिन नंबर दिया है। अब इधर देख सकते हो, एक नंबर टर्मिनल है, एक नंबर पिन है। इधर ये वीसीसी है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये वीसीसी वोल्टेज इधर से आके ये पीडब्ल्यूएम आईसी, इस आईसी का 15 नंबर पिन पे इन हो रहा है, और इधर से इस आईसी से लाइन जाके इस आईसी का 7 नंबर पिन में इन हो रहा है। तो मैं आप लोगों को मीटर में दिखा रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी में लगा के। देखिए, मैं एक नंबर में मीटर प्रॉब रखा हूँ, इस आईसी का 7 नंबर ओपेम का 7 नंबर पिन में दे रहा हूँ। देखिए, कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, और इस पीडब्ल्यूएम आईसी का 15 नंबर पिन में दे रहा हूँ। फ्रेंड, आप देख पा रहे हो, ये लाइन इधर दिया है प्रैक्टिकल में, और इस पीसीबी का 2 नंबर पिन है ग्राउंड है। आप देख सकते हो, इधर से ग्राउंड आ रहा है, आके इस पीडब्ल्यूएम आईसी का 12 नंबर पिन पे जा रहा है, और इधर से आके ग्राउंड आके इधर आके इस आईसी का ओपेम का 4 नंबर पिन पे जा रहा है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, 2 नंबर में मीटर रेड प्रॉब रखा हूँ, इधर मैं 12 नंबर पिन में आपको मीटर प्रॉब देके दिखा रहा हूँ। देखिए, इधर इस पीडब्ल्यूएम आईसी का 12 नंबर पिन पे मैं दे रहा हूँ, 12 नंबर पिन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, इधर है, और इस आईसी के ओपेम का 4 नंबर में इधर हो, आप कंटिन्यूटी में देख पा रहे हो, ऐसे है। तो फ्रेंड, वीडियो में मैं पहले आप लोगों को बता दूं, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ड्राइंग को स्टडी करेंगे, तो पहले हम लोग को कंसीडर करना होता है ड्राइंग बंद कंडीशन में है, हम लोग सप्लाई देंगे, धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को क्या 2 टर्मिनल के बारे में बताया हूँ, 2 वोल्टेज, एक वीसीसी सप्लाई, एक ग्राउंड के बारे में बताया हूँ, तो फिर सबको एलिमिनेट कर देते हैं, सबको भूल जाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इस आईसी में 15 नंबर और 12 नंबर में, 12 नंबर में इस आईसी का मैं नेगेटिव दिया हूँ, 15 नंबर में वीसीसी दिया हूँ इस आईसी का, और सब कुछ भूल जाते हैं ड्राइंग में। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ की पॉइंट छूट जाएगा ना, छोटा भी एक सर्किट के बारे में छूट जाएगा, तो ये वेल्डिंग सर्किट कैसे काम कर रहा है आप लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा, तो हम लोग रिपेयरिंग तो कर लेंगे, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आ पाएगा कैसे पीडब्ल्यूएम जनरेट होता है, कैसे वेल्डिंग का करंट बढ़ता है, कैसे करंट कंट्रोल होता है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड, देखिए, इधर मैं सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई देने के बाद इस आईसी का जो 16 नंबर पिन है, इधर जो 16 नंबर पिन है, आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे वी रेफरेंस आउट होता है। इस वी रेफरेंस इस आईसी के लिए 15.1 वोल्ट है, दूसरे आईसी के लिए अलग होगा। तो फ्रेंड, ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ना, इस टर्म को बारीकी से याद रखना, क्योंकि इस टर्म आगे जब हम लोग और भी सर्किट एनालिसिस करेंगे या और नया वेल्डिंग मशीन आएगा, तब देखेंगे वो ये टर्म बोल रहा हूँ ना, वो टर्म सेम आएगा। इसलिए आप वीडियो को देखिए और वो टर्म को याद रखिए। तो ये 16 नंबर पिन में 5.1 वोल्ट आता है, ये भी रेफरेंस, इस भी रेफरेंस को लेके हम लोग यहाँ का बायसिंग करते हैं। अब ये भी रेफरेंस आ गया, भी रेफरेंस आने के बाद आप देख सकते हो, इस आईसी के अंदर भी एक ओपेम है, इसका एक नंबर जो पिन है, इस आईसी का एक नंबर पिन है, इधर देख सकते हो एक नंबर पिन है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, और 2 नंबर पिन है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। फ्रेंड, आप लोगों को ओपेम के बारे में पता नहीं, तो मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा ओपेम के बारे में, ओपेम कैसा होता है, क्या होता है, उसमें नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन ओपेम का जो वर्किंग प्रिंसिपल वो सेम होता है। तो फिलहाल अभी देखिए, यहाँ पे एक नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया है,
और जो इन्वर्टिंग पिन है और दो नंबर पिन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसको पॉजिटिव दिया है। इसका मतलब जो एम्पलीफिकेशन होगा, इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो डिफरेंस है एक और दो पिन के अंदर जो वोल्टेज डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। ये आईसी का एम्पलीफिकेशन ऑपएम, इस आईसी का अंदर एक ऑपएम होता है, इस ऑपएम का जो एम्पलीफिकेशन गेन है इसको मल्टीपल करने के बाद वो आउटपुट रिजल्ट देगा, वो आउटपुट होता है। तो ये आउटपुट का नेचर कैसे होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अब इधर देख सकते हो मतलब डिफरेंस में ज्यादा वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। फ्रेंड आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है लेकिन आप सिर्फ याद रखिए इस आईसी के लिए, बाद में हम लोग जब ओपन स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट चाहिए इसलिए लिया है। और देखिए यहाँ पे जो पीडब्ल्यूएम है इसमें तो स्विचिंग होता है, फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग होता है, इसको करने के लिए इस आईसी का आप पांच नंबर पिन देख सकते हो, इस आईसी का पांच नंबर पिन सीटी है, टाइमिंग कैपेसिटर, और सेवन नंबर जो पिन है वो आप देख सकते हो डीटीसी या डेड टाइम कंट्रोल, अगर किसी किसी सर्किट में लिखा रहता है डिस्चार्ज, और इधर देख सकते हो सेवन नंबर आरटी टाइमिंग रजिस्टर। तो क्या होता है सिटी और टाइमिंग को एक कैलकुलेशन करके लगा रहता है, उसके वसीब से फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, किसने फ्रीक्वेंसी में चार्ज करेंगे। अरे डीटीसी है ना मतलब डिस्चार्ज, ये क्या होता है एक फ्रीक्वेंसी के बाद और एक फ्रीक्वेंसी को ऑन होगा तो इसमें जो गैप रहता है उसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फाइव नंबर और फाइव और सेवन को जोड़ दिया हूँ, इसका मतलब इस आईसी का इंटरनल में एक सेट क्या रहता है इस आईसी के लिए 3% रहता है, वही डिफरेंस करेगा। अगर आपको अलग से करना है तो इसका जो सेवन नंबर पिन है इसको इसके साथ बायसिंग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बायसिंग किया नहीं है। अब इधर देख सकते हो फिर क्या होता है जब हम लोग ये दे देंगे तो क्या करेगा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट करेगा और फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट करेगा होगा लेकिन कितना ड्यूटी साइकिल में ऑन करेगा, इसके लिए इधर आप देख सकते हो 9 नंबर पिन है इस आईसी का, इसको कॉम्पेंसेशन पिन बोलता है, कभी कभी फीडबैक पिन बोलता है। फिर से भी मैं बोल रहा हूँ जो कॉम्पेंसेशन बोल रहा हूँ ना वो याद में रखना चाहिए, वो बहुत चीज है, क्योंकि हम लोग जो सीरीज बना रहा हूँ ना तो मेरा चैनल का मोटो है, हम लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ, जब टोटो आएगा इन्वर्टर आएगा चार्जर आएगा तो ये एक PWM IC है ना PWM IC, तो क्या होता है एक कॉम्पेंसेशन रहता है, फीडबैक रहता है, दूसरे जगह से कंट्रोल करने के लिए लेता है, इसलिए आप कॉम्पेंसेशन या फीडबैक पिन को याद रखना, इसका फंक्शन क्या है समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड रिवर्स कीजिए फिर से देखिए, लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना ही है, इसको एक बेस मान के आप देखिए। अगर अभी तो MOSFET बेस चल रहा है, IGBT भी आएगा उसमें आप लोगों को मिल जाएगा PWM IC OPM IC, इसका नंबर अलग होगा लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, सिर्फ एक को समझ लीजिए, उसके बाद देखिए आपको हर वेल्डिंग मशीन में 50% तो लॉजिक के बारे में सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन रहता है, ये कॉम्पेंसेशन में क्या होता है देखिए 16 नंबर रेफरेंस के एक 1K रेजिस्टेंस देखे वोल्टेज दिया है, इस वोल्टेज को देख के इधर देखिए एक NPN ट्रांजिस्टर देखे ग्राउंड करके इधर 10K का रेजिस्टेंस है 2K का रेजिस्टेंस देखे एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इसके बेस में देखे इस 9 नंबर पिन का वोल्टेज को एक फिक्स्ड किया है। इधर आप इस लाइन को भूल जाइए, इधर देखिए ये 16 नंबर पिन से 10K के वोल्टेज देखे 10K के रेजिस्टेंस देखे 9 नंबर पिन में दे रहा हूँ, वोल्टेज तो रहेगा ना कुछ, इसको इस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए इधर से एक रेजिस्टेंस एक ट्रांजिस्टर देखे बायसिंग किया है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना है बायसिंग किया है तो इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे 5.1 है इसके रेजिस्टेंस देखे बायसिंग किया है तो 5.1 से तो कम होगा, कुछ वोल्टेज रहेगा, इस वोल्टेज का मतलब है इसको हम लोग एडजस्ट कर रहा हूँ कितना ड्यूटी साइकिल में ऑन होगा, लेकिन ये जो वोल्टेज है ना 4 point something वोल्टेज यहाँ पे होता है तो उसका मतलब बोल रहा हूँ जो मिनिमम ड्यूटी साइकिल में इसको ऑन करो ड्यूटी साइकिल। अगर ड्यूटी साइकिल क्या है मालूम नहीं तो मेरा जो मिडिल कार के बारे में वीडियो है आप प्लीज उनको चेक कीजिए, वहां में देखिए ड्यूटी साइकिल के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी आप लोगों का डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं स्पेशली एक ड्यूटी साइकिल का वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझना है, अगर एक जगह मिस हो जाएगा तो रिवर्स करके देखिए आगे मत बढ़िए, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होता है अगर 9 नंबर में वोल्टेज दे रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कितना ड्यूटी साइकिल में ऑन होगा,
लेकिन तो क्या हो रहा है, अभी मैं आप लोग को ए सिटी डीटीसी 80 और क्या हो ये जो फीडबैक और नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग के बारे में बोल रहे, ये कॉन्फ़िगरेशन किया और सब कुछ भूल जा रहा हूँ। तो जब हम लोग स्विच दे देंगे तो ये क्या करेगा, फुल ड्यूटी साइकिल में ऑन कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पहले तो बंद कंडीशन में था तो इनिशियली चार्ज होता है, तो जब फुल चार्ज कर देंगे तो फुल ड्यूटी साइकिल में ऑन हो जाएगा, तो इनरश करंट मतलब लाइन से बहुत ज़्यादा करंट ले लेगा, इनरश करंट खींचेगा, तो क्या होगा, पार्ट सब डैमेज हो सकता है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको सॉफ्टली स्टार्ट करना, मतलब ये अगर हम लोग ये सिटी टाइमिंग कैपेसिटर टाइमिंग रजिस्टर्स देखे 49 किलो हर्ट्ज में डिजाइन किया हूँ, तो अगर ऑन कर देंगे ना तुरंत 49 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए क्या किया है, इस आईसी का 8 नंबर पिन में ऐसे सॉफ्ट स्टार्ट का एक ऑप्शन है, इस आईसी से आउटपुट आता है, ये भी 5 वोल्ट के करीब होता है आसपास। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस देके कैपेसिटर देके ग्राउंड कर दिया हूँ। तो इसके में क्या होगा, जब स्टार्ट करेंगे इस वोल्टेज को ये कैपेसिटर चार्ज करने की वजह से रेजिस्टेंस के थ्रू पुल डाउन कर देगा, जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो धीरे धीरे करके इस टर्मिनल में वोल्टेज बढ़ेगा, तो इस कैपेसिटर चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा उतना में वो स्टार्टअप ले लेगा फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए सॉफ्ट स्टार्ट दिया है, फिर आप ये देख पा रहे हो सॉफ्ट स्टार्ट दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर सॉफ्ट स्टार्ट की टर्मिनल में जीरो वोल्टेज रहेगा तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, जीरो से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5 करके 49 किलोहर्ट्ज़ तक जाएगा। और ये 8 नंबर पिन है, ये 9 नंबर पिन आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ड्यूटी साइकिल कम होगा, जितना कम वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा ड्यूटी साइकिल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो, तो हम लोग ये बायसिंग किया हूँ, इधर भूल जाइए, इतना तक भूल जाइए, रेजिस्टेंस इधर से इधर भूल जाइए, इधर जो रेजिस्टेंस दिया हूँ तो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस कैपेसिटर देके सॉफ्टली स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड अब ये आईसी में देख सकते हो, इस आईसी में 10 नंबर पिन है, ये ग्राउंड किया है, ये ग्राउंड किया है, ये शट डाउन ऑप्शन है, मतलब ये आईसी में अगर इधर देखिए, इधर वोल्टेज नहीं रहेगा तो सॉफ्ट शट डाउन में काम करेगा, लेकिन इधर अगर वोल्टेज आ जाएगा तो शट डाउन में काम करेगा। लेकिन इस आईसी को वो मल्टी फंक्शन के लिए यूज होता है, बहुत जगह में लगता है, यूपीएस इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन और बहुत कुछ एसएमपीएस, तो इसलिए क्या होता है, तो उस जगह में किसी माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आएगा, वोल्टेज आ रहा है, तो अगर माइक्रो कंट्रोलर से फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे इन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस लॉजिक नहीं है, इसलिए 10 नंबर को ग्राउंड कर दिया। अगर छोड़ देंगे, ओपन छोड़ देंगे, एनसी नॉट कनेक्टेड छोड़ देंगे, तो अगर लीकेज फॉल्ट पल्स आ जाएगा तो ये क्या करेगा, शट डाउन में चला जाएगा, तो ऑप्शन ही नहीं रखना है, तो इसको ग्राउंड कर दिया। लेकिन ये मैं बोल रहा था बार बार, जो टर्मिनल को समझो, टर्म को याद रखना है, शट डाउन है तो आपको दूसरा कुछ सर्किट आएगा उसमें 3525 ऐसे लगा है, तो आप लोग को देखना है 10 नंबर पिन को कैसे बायसिंग करना है। इसलिए फ्रेंड इस ड्राइंग को मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से समझना इस आईसी का, समझना, फिर मैं इस आईसी का आर्किटेक्चर जो है ना, इंटरनल आर्किटेक्चर, वो भी एक वीडियो लेके आऊंगा, वो देखने से और भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों को समझ में। तो फ्रेंड इधर तक क्या हो रहा है, इधर में हम लोग VCC सप्लाई दे रहा हूँ, 15 नंबर पिन में इन हो रहा है, इधर से नेगेटिव दे रहा हूँ, 12 नंबर में इन हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्टिंग पिन में ग्राउंड दे दिया हूँ, नॉन इन्वर्टिंग पिन में पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ भी रेफरेंस से, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव देता हूँ तो 16 नंबर पिन से एक भी रेफरेंस आता है, भी रेफरेंस को मैंने 2 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया हूँ, इसलिए फुल डिफरेंस हो गया दोनों में, दो एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंस 5 वोल्ट हो गया, तो इसका जो आउटपुट होगा उसको बोल रहे फुल आउटपुट कर दो, लेकिन इसका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में वोल्टेज हाई है, इसका मतलब इसका आउटपुट होगा पॉजिटिव, ये समझ में आ गया। उसके बाद इसका जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम लोग सीटी 80 लगा के कॉम्बिनेशन करके 49 के आसपास किलोहर्ट्ज़ में सेटिंग किया हूँ, तो और इसका जो डेड टाइम कंट्रोल है उसको 5 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया है, उसका मतलब इसका आर्किटेक्चर के हिसाब से, आईसी का आर्किटेक्चर के हिसाब से 3% छोड़ गैप दे रहा हूँ, उसके बाद चलेगा।
तो आप इधर देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ड्यूटी साइकिल कितना ऑन करना है, इसलिए 16 नंबर पिन से 1K का रेजिस्टेंस देके 9 नंबर पिन में उसका फीडबैक या कॉम्पेंसेशन बोलते हैं उसमें लेके दे दिया हूँ। और इस कॉम्पेंसेशन को बाहर से कंट्रोल एक्सटर्नल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक NPN का ट्रांजिस्टर देखे, NPN ट्रांजिस्टर इसका नंबर है आप देख सकते हो 8050 है, 8050 IC ट्रांजिस्टर देखे, IC50 ट्रांजिस्टर देके यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस और 2K का रेजिस्टेंस देके वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना के इसका बेस में वोल्टेज दे रहा हूँ, देके सर्किट बना दिया हूँ। तो जब हम लोग पावर दे देंगे तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, इसके वजह से उसको स्टूडेंट को सॉफ्टली स्टार्ट करने के लिए इसका 8 नंबर पिन से हम लोग उसका रेजिस्टेंस देके कैपेसिटर के देके एक चार्जिंग नेटवर्क बनाया हूँ। और आप इधर देख सकते हो ये बोला नहीं 13 नंबर पिन से 100 ओम रेजिस्टेंस देके इसका CVC है कलेक्टर वोल्टेज, इस आईसी का अंदर ट्रांजिस्टर लगा है उसका कलेक्टर में वोल्टेज दे रहा हूँ। उसके बाद इधर से आप देख सकते हो एक आईसी का 11 नंबर पिन से PWM आउटपुट हो रहा है और 16 नंबर पिन से और 14 नंबर पिन से एक PWM आउटपुट हो रहा है। तो 11 नंबर के हम लोग A करके डिनोट करते, 14 नंबर के B करके डिनोट करते। फिर आप इधर देख सकते हो टोटेम पोल का सर्किट बना है, एक NPN एक PNP E का ट्रांजिस्टर देके कंपेयर पेयर बना के एक टोटेम पोल सर्किट है। इधर से इसका दो ट्रांजिस्टर का टोटेम पोल का बेस में फायरिंग करता है, इधर भी टोटेम पोल का बेस में फायरिंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल में ये दो जो ट्रांजिस्टर लगा है, ये दो ट्रांजिस्टर है एक टोटेम पोल, ये जो ट्रांजिस्टर एक टोटेम पोल। इधर आप 15 वोल्ट का जेनर देख सकते हो, इधर भी 15 वोल्ट का जेनर, 1K का रेजिस्टेंस, 41-48 डायोड देके एक बायसिंग किया है। यहाँ से आप देख सकते हो 23, 25, 26, 28 ये जा रहा है जो टॉप कार्ड में IRF MOSFET लगा है उसको ड्राइव करने के लिए, वहाँ पे एज ब्रिज है फुल ब्रिज टोपोलॉजी में काम करता है वो लगा है, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस कार्ड के लिए है फ्रेंड, इधर से आउटपुट होता है, इधर ये कार्ड में जो 23, 25, 26, 28 पिन से आउटपुट होता है। तो क्या है इधर से सब कुछ भूल जाते हैं, पावर देते हैं, इधर से सॉफ्टली स्टार्ट होता है, PWM 49 किलोहर्ट्ज के आसपास जनरेट होता है और ड्यूटी साइकिल मिनिमम में सेट करके आउटपुट हो रहा है। फिर इधर मैं फ्रेंड आ रहा हूँ, अब इधर देख सकते हो इस आईसी में मतलब ओइलिंग मशीन में OC का लाइट जलता है, तो OC का लाइट किस किस वजह से जल सकता है। अब इधर देख सकते हो यहाँ पे 11 नंबर पिन में CT लिखा है, CT इनपुट है, ये CT किया है ओल्डिंग मशीन का टॉप कार्ड में, एक करंट ट्रांसफार्मर लगा है, वो करंट ट्रांसफार्मर से लाइन जाके जो मॉस्फेट लगा होता है ना पेयर में फायरिंग करने के लिए वो उस पर गया है। अगर मिस फायरिंग हो सकता है, मतलब एक फायर एक नंबर चैनल हो रहा है तो दूसरे को बंद रहना चाहिए, एक साथ में दो फायरिंग हो जाता है उसको मिस फायरिंग बोलते हैं। अगर मिस फायरिंग हो रहा है क्या कुछ मॉस्फेट शॉर्ट है तो उसके वजह से सिटी के अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होने के बाद उस सिटी में क्या होगा एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, उसको 41-48 जेनर डायोड के देके ब्रिज करके वहां से एक वोल्टेज आता है। इस वोल्टेज को ये जेनर 15 वोल्ट का जेनर देके यहाँ पे जब 15 वोल्ट से ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस में काम कर जाएगा। तो क्या करेगा इस जगह पे एक ट्रैक है MCR 100-6, ये ट्रैक क्या करेगा क्लैम कर जाएगा, तो यहाँ से ग्राउंड कर देगा, यहाँ से ग्राउंड करेगा, इसका काम है। तो पहले हम लोग इधर से देखते हैं, और पहले इसको स्टडी करने से पहले इधर देख लेते हैं, इधर जो इस आईसी का 21 या 20 इस कंट्रोल कार्ड का 21-29 टर्मिनल है, यहाँ से VC है, एक कलेक्टर वोल्टेज है VC है, ये VC आ रहा है इधर से आके। अब इधर देख सकते हो इधर से एक 22K का रेजिस्टेंस देके एक NPN ट्रांजिस्टर में दिया है, NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इधर 8 नंबर पिन के साथ जुड़ा है और इधर ग्राउंड है। इसका मतलब क्या है, इस NPN ट्रांजिस्टर का बेस में वोल्टेज आ जाएगा तो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो इस सब स्टार्ट का टर्मिनल में वोल्टेज नहीं रहेगा। अगर मैं पहले भी बोल दिया हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा तो IC काम नहीं करेगा, सब स्टार्ट में तो बंद में चला जाएगा, प्रोटेक्शन में चला जाएगा। तो क्या होगा अगर इसमें वोल्टेज आएगा तो 0 हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए अभी 0 है, अभी वोल्टेज 0 है, लेकिन इधर से एक 2K का रेजिस्टेंस करके एक 15 वोल्ट का जेनर देके 6.2K का
रेजिस्टेंस लगा के इधर आप देख सकते हो एक 600 ओम्स का रेजिस्टेंस देके एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इधर एक वोल्टेज प्रेजेंट कर दिया है। इस वोल्टेज का क्या काम है, यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर से एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में दिया है और इमीटर को ग्राउंड कर दिया है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है, उसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज चलते रहे, करंट चलेगा। अगर करंट चलेगा तो इस ट्रांजिस्टर का बेस में वोल्टेज जीरो रहेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर करंट कलेक्टर से इमीटर फ्लो नहीं करेगा, इस कंडीशन में बंद रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ सॉफ्ट स्टार्ट में वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा। इतना तक समझ में आप लोगों का आ गया। फिर यहाँ से जब सिटी से करंट इन होता है तो ये डायोड जब क्लैम करता है तो 41-48 डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन है, तो यहाँ से लेके इस टर्मिनल से वोल्टेज को इधर ग्राउंड करेगा, ये वोल्टेज जाएगा इधर, उसके वजह से ये इस टर्मिनल से वोल्टेज को लेके ऐसे लेके ग्राउंड तक चला देगा। तब इधर जब वोल्टेज नहीं रहेगा तो इधर ये कलेक्टर से इमीटर वोल्टेज नहीं करंट नहीं चलेगा, तो ये इस ट्रांजिस्टर का इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में वोल्टेज प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये कलेक्टर से इमीटर करंट चलाएगा तो 8 नंबर पिन में वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो ये प्रोटेक्शन में चले जाएगा। फ्रेंड ये समझने का बाद है, अब ये ध्यान से समझिए, अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा देखिए, लेकिन इसको छोड़ना मत, इसको समझ लेना। अगर ये समझ नहीं पाओगे ना आज, तो हम लोगों का जो वेल्डिंग फील्ड में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, वो एम्बिशन रह जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ड्राइंग को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, ड्राइंग के हिसाब से काम कीजिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक मॉस्फेट फूट गया तो इसको खोल के लगा देते हैं, क्या होता है फिर से मॉस्फेट फूट जाता है, ये सब की पॉइंट छूट जाता है, इसलिए आप लोग को इसको ध्यान देना है। अगर एक सर्किट को स्टडी कर लेंगे तो अगले जो सर्किट आएगा वो थोड़ा थोड़ा देखने से हो जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया। फिर आप इधर देख सकते हो एक लाइन आ रहा है, इधर से एक लाइन जा रहा है। इस बोर्ड का 13 नंबर पिन ये टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, नॉर्मली NO रहता है, ओपन रहता है, जब हीट होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब हीट हो जाता है तो ये इधर से लाइन करके ग्राउंड हो जाता है। तो आप इधर से देख सकते हो ये लाइन इसको ग्राउंड कर रहा है, इसका मतलब इस बेस को भी इधर से भी लाइन वोल्टेज को ये ग्राउंड कर दे रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर के बेस में वोल्टेज नहीं है तो कलेक्टर से इमीटर करंट चलना बंद हो गया, तो इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर के बेस में वोल्टेज आ गया, करंट नहीं चल रहा है तो इधर वोल्टेज पुल अप हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इधर क्या होगा, कलेक्टर से इमीटर करंट चलना शुरू हो जाएगा, तो 8 नंबर पिन को सब स्टार्ट में बंद कर दे रहा है। तो ऐसे सब स्टार्ट में, तो अब क्या हो सकता है, उसी में दो तरह पे हो सकता है, इधर से सब स्टार्ट से इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, और भी एक होता है इधर में होता है, वो जब आएंगे बोलेंगे। अब दो मार्क दो पॉइंट समझ में आ गया, याद रखना दो पॉइंट से हो सकता है। आप इधर देख सकते हो 8 नंबर पिन में ऑप्शन देख के रखा हूं, ऑप्शनल लिख के रखा हूं, ये ऑप्शनल है। अगर बाहर से सॉफ्ट स्टार्ट ऑप्शन करना है तो 8 नंबर पिन को सॉफ्ट स्टार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बाहर से हम लोग किसी जगह से इसको स्टैंड बाय बंद करना है तो ये जाके ग्राउंड कर देंगे बॉडी के साथ, तो ग्राउंड में जोड़ देंगे, तो ये देखिए इधर से पावर बंद हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। या इधर से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के सर्किट बना देंगे तो सॉफ्टली स्टार्ट होगा, हो सकता है, ये ऑप्शनल है, आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड इधर तो आगे आप लोगों को समझ में, अगर प्रॉब्लम है तो देखिए, फिर इधर देखिए, इधर जो ओपेम लगा है, अब इधर देख सकते हो इस आईसी का 7 नंबर पिन में पॉजिटिव है और 4 नंबर पिन में नेगेटिव है। तो क्या करते हैं, ये एक ओपेम आईसी है, इसके इसमें जब हम लोग पावर देते हैं तो इसका इन्वर्टिंग इनपुट इन है 2 नंबर पिन और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट 3 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन आउटपुट है। हम देख सकते हो इसका 3 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया, पिन को सप्लाई दिया है। यार ये बारीकी से सोचना फ्रेंड, इधर देखिए हम लोग क्या किया, 2 नंबर पिन नॉन इन्वर्टिंग को सप्लाई दिया हूँ, इसका 2 नंबर पिन इन्वर्टिंग पिन इसको सप्लाई दिया हूँ। इधर हम मैंने क्या बोला था, ये इधर पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट मिलेगा, लेकिन इधर क्या करेगा, इन्वर्टिंग में सब पॉजिटिव दे रहा हूँ, इसका मतलब ये आउटपुट मिलेगा, डिफरेंस ये दोनों में जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसका एम्पलीफिकेशन गेन, उसके बाद जो आउटपुट होगा पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव आउटपुट होगा। ये चीज समझने का है, मतलब क्या होगा, किस जगह पे प्रॉब्लम होता है, हम लोग ऑपेम में आउटपुट, ये तो ऑपेम में आउटपुट समझ लिया, वोल्टेज मेजर करेंगे तो आउटपुट पॉजिटिव देता है, लेकिन दूसरी जगह जब ऑपेम में देखेंगे तो वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो समझ में नहीं आता है, तब क्या करेंगे, सोचेंगे ऑपेम खराब है।
इसलिए ये ध्यान से देखना है। और ओपिन के बारे में जब वीडियो आएगा तब तो समझ में आप लोग को आ भी जाएगा, तो ये समझ में रख, ये याद रखना है, इसको देखना कौन सा नंबर में वोल्टेज हाई है इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, इसके हिसाब से देखिए। यहाँ पे अभी जीरो किया है, यहाँ पे दो वोल्ट हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन होगा, तो यहाँ पे तीन नंबर, तीन वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग में, इन्वर्टिंग में हाई है, दो नंबर इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग में हाई है, इसका मतलब यह नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों इन्वर्टिंग में कम होता, नॉन इन्वर्टिंग में हाई होता तो पॉजिटिव होता। तो फ्रेंड अब इससे समझ में आ गया, इससे तीन नंबर पिन को ग्राउंड किया हूँ, दो नंबर पिन में सप्लाई दिया हूँ, पॉजिटिव दे रहा हूँ। पॉजिटिव कैसे दे रहा हूँ अब इधर से देख सकते हो, इधर से हम लोग क्या किया हूँ, 220 के का रेजिस्टेंस देके ये दो नंबर पिन को पुल अप किया हूँ ये VCC सप्लाई से। और फ्रेंड इधर देख सकते हो 7 नंबर पिन से आउटपुट हो रहा है, और इधर एक नंबर और 5 नंबर पिन है, ये ऑफसेट वोल्टेज है। ऑफसेट का मतलब हम ये आपको जो थ्योरी बोल रहा ना, अगर डिफरेंस होगा आउटपुट होगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसके अंदर ये आईसी का आर्किटेक्चर समझना पड़ता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर देके आईसी को मैन्युफैक्चर किया है, इसलिए दो ट्रांजिस्टर लगा है। दूसरा ट्रांजिस्टर के अंदर भी जो इम्पीडेंस है वो अलग होगा, तो इसमें एक्यूरेट जीरो नहीं आएगा, कुछ वोल्टेज आएगा, लेकिन उसको तो मिनिमम करना है। इसको नालीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ऑफसेट वोल्टेज ऑफसेट देता है। ये ऑफसेट का क्या काम होता है, एक नंबर और पांच नंबर को क्या करता है, ग्राउंड करना पड़ता है, इस पिन ऑफसेट वोल्ट पिन को ग्राउंड करना पड़ता है, तो इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे करके ग्राउंड किया, एक और पांच के अंदर, एक से पांच में एक 10K का प्रीसेट देके इसके बीच में जो टर्मिनल 10K देके ग्राउंड कर दिया। अब इधर देख सकते हो ये जो है इसका ऑफसेट देके ग्राउंड कर दिया, फिर ऑफसेट को पिन को घुमा के इसका आउटपुट को एडजस्ट करना पड़ता है, वो मैन्युफैक्चरर एडजस्ट कर देता है, तो ये ऐसे एडजस्ट होता है। फ्रेंड आप देखिए इस बोर्ड का 6 नंबर जो पिन है ये सेट पॉइंट है, आप इधर देख सकते हो सेट पॉइंट है। ये सेट पॉइंट कहाँ से आता है, जो 5 वोल्ट आता है ना, एक पोर्ट करंट बढ़ाते हैं हम लोग, उधर का बीच में जो टर्मिनल है उधर से वोल्टेज आता है, कुछ वोल्टेज आता है, इस वोल्टेज 6.2 वोल्ट 6.2 के का रेजिस्टेंस करके आके इस दो नंबर टर्मिनल में चला जाता है। तो क्या होता है, तीन नंबर टर्मिनल में जीरो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हूँ हम लोगों ने, तो जब वोल्टेज दिया हूँ तो अब क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा बहुत होता है, कुछ तो वोल्टेज दिया हूँ, तो उसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव इस 6 नंबर पिन में नेगेटिव बनता है। इस 6 नेगेटिव को 5.1 वोल्ट के करके दो रेजिस्टेंस देके यहाँ पे दिया है, तो इसका नेगेटिव देने का मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज है अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज डाउन होगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज डाउन होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे वोल्टेज डाउन है तो कलेक्टर से एमिटर करंट चलना बंद हो जाएगा, तो इस जगह पे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। इधर में वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इधर जब वोल्टेज बढ़ेगा उस हिसाब से ड्यूटी साइकिल एडजस्ट वो लोग करेगा, ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करके काम करेगा। तो क्या होता है, हम लोग करंट जब नॉब घुमाते हैं करंट सेट पॉइंट दे देता है, करंट जब सेट पॉइंट देता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक आउटपुट देता है, उस आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे जब नेगेटिव देता हूँ तो इस जगह में करंट चलना बंद हो जाता है, इस जगह में करंट नेगेटिव देता है तो करंट वोल्टेज हिसाब से करंट चलना बंद हो जाता है, तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट हो जाता है। तो क्या होता है, एक ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करके हम लोग दे दिया तो उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इस आईसी बोर्ड का 4 नंबर पिन ये करंट सेंस इनपुट है, इसका जो मिडिल कार्ड है, मिडिल कार्ड में एक शंट रेजिस्टेंस लगा है, शंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव के साथ लगा है, उससे जब वेल्डिंग होता है तो शंट रेजिस्टेंस के अंदर से करंट जाता है, करंट के हिसाब से एक वोल्टेज में कन्वर्ट करके एक वोल्टेज इधर इन होता है, इस वोल्टेज जाके इधर आप देख सकते हो एक 1K का रेजिस्टेंस देखे एक पुल डाउन रेजिस्टेंस सर्किट बना के 100 ओम्स का रेजिस्टेंस देके सिर्फ दो नंबर पिन में दे रहा है। तो अब एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, अभी इधर दो वोल्ट है, दो नंबर पिन में दो वोल्ट है, तो इधर जब करंट वेल्डिंग करता हूं तो करंट के हिसाब से वोल्टेज आ रहा है, अगर दो वोल्ट से ऊपर वोल्टेज आ रहा है तो तीन वोल्ट आ रहा है, तो क्या करेगा, ये तीन वोल्ट आने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा बढ़ेगा, ये इधर पे नेगेटिव ज्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये इस जगह में वोल्टेज को
थोड़ा डाउन करेगा तो ड्यूटी साइकिल चेंज कर लेगा, तो ड्यूटी साइकिल कम कर देगा। तो ड्यूटी साइकिल जब कम करेगा तो क्या होगा, तो आउटपुट में करंट कम कमेगा, आउटपुट का जब करंट कमेगा तो इस जगह में वोल्टेज घटेगा। लेकिन ये कितना तक घट सकते हैं, ये वोल्टेज घट घट के ये दो से नीचे इधर भी घट गया तो क्या होगा, ये अगर एक वोल्ट भी हो गया ना तो कुछ यहाँ पे दो वोल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेट पॉइंट दो वोल्ट देख के रखा हूँ। तो ये सेट पॉइंट दो वोल्ट जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर से ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देगा। फिर से जब ड्यूटी साइकिल बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्यूटी साइकिल जब बढ़ेगा तो वेल्डिंग करेगा, लेकिन वेल्डिंग का करंट जब ज्यादा लेगा तो यहाँ पे अब फिर से वोल्टेज बढ़ेगा। तो क्या करेगा, वोल्टेज जब बढ़ेगा तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल कम आएगा। मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ये फिक्स्ड है। कितना तक घटेगा, ये वोल्टेज ज्यादा घट गया तो ये दो वोल्ट देख के रखा हो ना, इससे ज्यादा नहीं घट पाएगा तो मिनिमम ड्यूटी साइकिल दो वोल्ट रहेगा, लेकिन फिर करंट बढ़ेगा। ऐसा करके ये क्लोज लूप में काम करता है। फ्रेंड ये थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लिकेटिव है, तो आप इसको ध्यान से समझना और प्रैक्टिकल में एक वीडियो में लेके आऊंगा, इधर कैसे हो रहा है एक टर्मिनल देखे अब लोगों को दिखाऊंगा सीआरओ में, तब आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर फ्रेंड देख सकते हो इधर पे 7 नंबर पिन है, ए ऑप्शनल है, यहाँ पे ए 2 नंबर पिन से 2K का रेजिस्टेंस देके एक ऑप्शनल पिन दिया है। इससे क्या कर सकते हो, आप सेट पॉइंट भी दे सकते हो। सेट पॉइंट कैसे देख सकते हो, इधर एक पोर्ट देके आप वोल्टेज को एडजस्ट कर देंगे तो ये सेट रह जाएगा, या ये पिन को खोल के इधर लगा देंगे, ऐसे करंट सेंस के लिए काम करेगा। मतलब ये कंट्रोलिंग के भी सेट पॉइंट के हिसाब से काम करेगा, करंट फीडबैक के हिसाब से काम करेगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर क्योंकि ये सब बोल रहा हूँ, एक ये बोर्ड सिर्फ 200 आर्क में नहीं लगता है, 400 में भी लगता है, तब इसका फंक्शन आएगा, तब समझ में आ जाएगा कैसे काम हो रहा है। फ्रेंड इधर छूट गया, इधर आप देख सकते हो एक क्लोज, इसको जो बायसिंग है इन्वर्टिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बोलता है। ये आउटपुट से एक रेजिस्टेंस करके, आउटपुट से एक रेजिस्टेंस 10K का रेजिस्टेंस और 100K का रेजिस्टेंस करके एक 2 नंबर में एक फीडबैक सप्लाई दिया है इसका आउटपुट को स्टेबल करने के लिए। और आप इधर देख सकते हो इसका, यहाँ से आउटपुट के हिसाब से इधर के 2 रेड कलर के LED लगा के 22K के रेजिस्टेंस देके 2 नंबर में दिया है। ये डिफरेंस जब होगा तब, ज्यादा डिफरेंस जब हो जाएगा तब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तब यहाँ पे रेड LED ब्लो करेगा। तो सिर्फ यही फंक्शन है फ्रेंड, इसमें और कुछ नहीं है। और आप इधर देख सकते हो इस टर्मिनल का मार्किंग, जो टर्मिनल इसमें मार्किंग करके रखते हो नोट में देख सकते हो, इस बोर्ड का 2 नंबर 12 नंबर 19 नंबर 20 नंबर 22 नंबर 30 नंबर और नेगेटिव कनेक्शन और 1 नंबर जो पिन है वो 12 वोल्ट VCC है, इस 2 IC का इंटरनल फंक्शन को वर्क करने के लिए। आप देख सकते हो इस IC का 21 और 29 पिन है, VC वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज है, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वोल्टेज है लगा है। और आप देख सकते हो 23 25 26 28 और PWM सिग्नल आउटपुट और बाकी जो पिन रह गया वो सब नॉट कनेक्टेड NC है। फ्रेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे इसको स्टडी कर चेक करना है, कैसे स्टडी करना है। फ्रेंड आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को रुक के आप ड्राइंग बना लीजिए, फिर इसको स्टडी कर कीजिए, क्योंकि इस कंट्रोलर को आपको आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। अगर इसमें एक भी की छूट जाएगा ना तो फ्रेंड आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर वो बार बार जो OC का प्रॉब्लम आता है ना, 1 टाइम स्पार्क OC मैक्सिमम केस में इस OPAMP का होता है, 3140 OPAMP का होता है। मैं OPAMP का टर्न क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड, ये MOSFET बेस्ड का हो रहा है, अगर IGBT में आएगा भी ना तो OPAMP का होता है। तो इसलिए इस जगह को अच्छी तरह से देखिए, अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में तो नंबर भी दिया रहता है, आप लोग तो कांटेक्ट कर तो कांटेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोग हेल्प करूंगा। फ्रेंड हम लोगों का मोटो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए, और अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में रिपेयरिंग ओरिएंटेड वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।